रिकॉर्डिंग हो रही है, मालूम है बैकग्राउंड में सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हम जब दोनों का सेम मॉडल है क्या? संजय मामा का आपका किसका मॉडल? ये मॉडल सेम है क्या? अभी निकाय अभी आया है। अवकाने वास्ते मुखभाषे वैशाखवास पक्षे पक्षे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुत्रिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और आप बहन जी आगे आगे चलेंगे, पहले सीधा कदम बढ़ाएं। पत्थर से सीधा पैर, सीधा पैर। काउंट करो बस, आपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? पहले की तरह दो ना, ये पटका बदल लो, पटका को बदल दीजिए, पटका लो और बदल दो, ऐसा डालो तुम डाल दो यार। ओम स्वाहा नमग्ने नमः। चौथी बार में एक बार देंगे। ओम भगाय स्वाहा। अब आप चलिए सर जी आगे आगे। चौथी भमरिया रे श्याम की चौथी भमरिया रे। ओम विश्वान देवा सगदुरितानि पराशुभम
होती हैं बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था कन्या श्रुति अपने माता पिता की यहाँ व्यतीत कर चुकी है। युवा अवस्था है, युवा अवस्था में हर कार्य करने की क्षमता होती है, सौंदर्यता होती है, तो सबको प्रिय लगता है। हर कार्य करने की जिसके अंदर ताकत होती है वो सभी को प्रिय लगता है। लेकिन वृद्ध आगे जाकर के वृद्ध अवस्था आएगी। वृद्ध अवस्था में क्या होता है, ना खड़ा हुआ जाता है, ना बैठा हुआ जाता है, ना कार्य करने की क्षमता रहती है। तो श्रुति जी कह रही हैं आज जो सम्मान आप मुझे दे रहे हो वही वृद्ध अवस्था में भी सम्मान आप को देना होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बोलो स्वीकार है, मंजूर है? उर्दू शब्द नहीं चलेगा, स्वीकार ये कह सकते हो आप। इतने प्यार से बोलो यार तू, मजा आ गया। चत्वारी माया भवा चौथे वचन में कहती है कि आज तक आपने जो कमाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
चाहे आपने माता पिता की जेब से निकाला या माता पिता की जेब में डाला, लेकिन आगे जो कमाओगी उसमें से कुछ हिस्सा मुझे जरूर दोगी। वो किस लिए कि घर पर आप नहीं है, कोई साधु आ जाता है, कोई और अन्य अतिथि आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो उसकी सेवा के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत तो होगी। अगर आप नहीं है तो मैं उनकी सेवा उस पैसे से मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। जी रे पंचम पशु व्यामा पहले पशु इत्यादि सालिया का एक ही कार्य होता है, जूते चुराए और अपने जूते की चुराहे की दक्षिणा। वो कार्य हुआ, बाकी दूसरा कार्य होता है ऐसे ही मजाक करते हो। अब वो आपकी सिरदर्दी है, आप जाने नहीं, कंटिन्यू कर लेते। अच्छा, ये पांचवे में कहते हैं क्रय विक्रय। पहले पशु इत्यादि की वाहन चलते थे, वाहन तो इतने थे नहीं, मशीनरी का युग नहीं था, तो उस समय पशु इत्यादि लिया करते थे, बेचते थे। लेकिन आजकल मशीनरी का युग है। कहने का मतलब है क्रय विक्रय, बेचनी हो कोई भी वस्तु अथवा लेकर के आनी, इसमें दोनों की एक सलाह होनी चाहिए। मंजूर है। षष्ठ ऋतु, साल में छह ऋतु होती है, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से करके छह ऋतुएं होती हैं और छह ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र चाहिए। श्रुति जी कह रही हैं कि छह ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र ला करके आप मेरी पालना करें तो मैं आपकी बाँ मंगाऊँ। सप्तम सखे पदाभवा सातवें में कहती हैं कि मेरे से कोई गलती हो जाती है, जीवन लंबा है और कोई गलती हो जाती है तो क्या होता है, जब गलती होती है तो नुकसान होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, धन का हो, मान का हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, क्योंकि जब गलती होगी तो नुकसान होगा। और नुकसान जब होता है तो क्या होता है, जीव को क्रोध आता है, जब आप मालूम पड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन जिस समय मेरे साथ में सास ननंद बहन सखी सहेली कोई भी हो, उनके सामने आकर के आप मेरा अपमान नहीं करोगे। अब सलिल जी कहते हैं श्रुति जी कि मैं भी आपको अपने बाँ मांग में जब लूंगा जब आप चार वचन मुझे दोगे, क्योंकि जब तक आप चार वचन नहीं दोगे मैं भी आपको अपनी पत्नी बनाना स्वीकार नहीं करता। तो वो चार वचन क्या है, उद्याने मत पाने चे पितृगृहे गमने ना वरवाक्य चतुष्टमा आज्ञा भंगो ना वरवाक्य चतुष्टमा। अर्थात उद्यान कहते जंगल को, जहाँ सुनसान स्थान हो, ऐसे स्थान पर आप कभी भी अकेले नहीं जाओगे। अगर जाना पड़े तो इन्हें साथ ले जाएं, ये भी ना हो तो छोटे देवर होंगे उनको ले जाएं, परिवार से सास को ससुर को किसी को भी साथ में लेकर के आप जा सकते हैं, लेकिन अकेले वहाँ कभी नहीं जाओगे। मंजूर है। द्वितीय मद पानी, मद शास्त्र में कई प्रकार का होता है, कुछ भाइयों ने लगाया भी होगा वो भी मद होता है। कहने का मतलब जहाँ अहंकारित व्यक्ति खड़े हों, किसी भी प्रकार से अहंकार छोड़ उनके सामने होकर के आप कभी भी ना निकले, क्योंकि अहंकारित व्यक्ति का कोई पता नहीं होता कि वो कब मुँह से क्या निकाले, इसलिए कहीं अपमान हो जाए आपका, इसलिए उनके सामने होकर के कभी भी आप नहीं जाओगे। मंजूर है। तीसरे में कहते हैं कि जो मेरे माता पिता हैं उनको अपने माता पिता समझना होगा, जो छोटा भाई है उसको भाई के बराबर समझें, बहनों को बहनें समझें, और जो मेरा धर्म है आज से वही आपका धर्म होगा, जो मेरा गोत्र है वही गोत्र आपका होगा। चौथे में कहते हैं कि मेरी आज्ञा के बगैर आप कोई कार्य नहीं करोगे, कोई भी कार्य करना है। सबसे पहले इनसे पूछना होगा कि मैं इस कार्य को करने जा रही हूँ, ये कार्य उनकी तरफ से था कि पढ़ाई आप कोई कार्य नहीं करोगे, अपने सुनिए एक मिनट बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाओ, इसका समाधान ये है कि जब तक ये नहीं होगा
दोनों की सलाह एक नहीं होगी तब तक जीवन में जो है शांति से जीवन नहीं चल सकता। जैसे कि गाड़ी के दो पहिए की गाड़ी लोगे तो दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे तब तक वह गाड़ी नहीं चल सकती। चार पहिए की गाड़ी लोगे तो चार पहिए बराबर नहीं चलेंगे तब तक गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार से जब तक ये वचन नहीं होंगे, दोनों की सलाह एक नहीं होगी, तब तक जीवन आसानी से नहीं चल सकता। जब भी पिता के घर जाना हो तो सलाह करके जाना, बिना पूछे नहीं जाना, ये कायदा होगा। बता के जाए घर में बता के जाए। सभी वचन तो इन्होंने ले लिए, पहले ही ले चुके हैं, सब वचन ले चुके हैं, तो वो मने तो करने वाले है ही नहीं। लेकिन हो सकता है कहीं ऐसा हो कि जैसे भगवान शिव राजा अध्यक्ष सुसर दामाद में दोनों में किसी बात को लेकर के अनमन हो गई। भगवान शिव को पता था कि सती का वहां जाकर के अपमान होगा, क्योंकि सुसर जी ने उन्हें बुलाया भी नहीं था। ऐसे अपमान से बचाने के लिए ये वचन दिया गया कि ऐसा कहीं हो और आपकी नजर में नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो उसे बचाने के लिए कहा गया कि मेरी आज्ञा के बगैर आप कोई कार्य नहीं करोगे, ताकि आगे जाकर के आपको अपमानित होना पड़े, आपको जाकर के कष्ट सहना पड़े, उस कष्ट से बचाने के लिए ऐसा वचन देना पड़े। बोलिए जी, खड़े होइए। आप इधर जाएं, आप इधर आ जाएं। संदूर और पटला भी है, पटले कहाँ गए? इधर का इधर कर दें, इधर का इधर कर दें। हाँ जी, चौकी बैठे तो राजा, फिर पटला है भी नहीं ना, फिर चौकी में बैठने के लिए कह रहे हैं? नहीं, बैठने तो नीचे ही, पर इधर का उधर कर दें आगे। कोई तो क्या नहीं पता है, पर बैठ जाइए। संदूर और मांगलिक सूत्र और चुटकी लिखिए जिन्हें कहते हैं। पहले संदूर डलवाइए, संदूर डालिए भैया। ये टीका होगा, टीका डस्ट लगा देंगे, पहना देंगे, अभी तैयारी करेंगे जब बोलेंगे। चेंज करेगी ना साड़ी, अभी अभी नहीं, तैयारी करेंगे ना विदाई के लिए, तो समय पहना दें। साड़ी
बत्ती जलवा देना।